दयालु सिद्धार्थ। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु थे। एक समय की बात है, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया, धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला, उसके घाव धोए, उस पर दवा का लेप लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगा। तभी हंस का शिकार करने वाला शिकारी उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। ये कोई और नहीं, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बात क्या है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, ये हंस मेरा है। लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि ये हंस उसका है। महाराज बोले। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि देवदत्त ने हंस को बाण से मारा है, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है।